नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे धूप तेज होती जा रही है, वैसे वैसे दिन ब दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपका गुलाब का पौधा मुरझा जाता है, पौधों में ग्रोथ नहीं रहता, हरियाली भी खत्म हो जाती है और आपका गुलाब का पौधा एकदम ही बेजान हो जाता है। फूल का साइज छोटा होने लगता है और फूलों की संख्या भी धीरे धीरे बहुत कम हो जाती है, और जो फूल खिला हो उसकी पंखुड़ियां जल्दी ही सूखकर गिर जाती है, पत्ते भी नरम पड़ जाते हैं और पौधा भी झुलस सा जाता है। तो इस सीजन में आपको अपने गुलाब के पौधों पर कौन सी खाद देनी है और कौन सी खाद नहीं देनी है, क्या केयर करनी है जिससे कि गर्मी के मौसम में भी आपका गुलाब का पौधा ग्रोथ करता रहे, कलियां बनाता रहे और फूल भी खिलता रहे। क्योंकि आज के इस वीडियो में गुलाब के पौधे की वो सारी सीक्रेट टिप्स आपको बताने वाला हूँ जिससे कि हर साल गर्मी के सीजन में मैं अपने गुलाब के पौधों पर ग्रोथ भी लेता हूँ, कलियां भी बनाता है, पौधे भी हेल्दी रहते हैं और फूल भी खिलते रहते हैं। तो वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें ताकि एक एक चीजों को बारीकी से देखकर समझ पाएं और आप भी अपने गुलाब के पौधों को इस तपती हुई गर्मी से झुलसने से बचा पाएं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त तेज धूप और भीषण गर्मी से आपको अपने गुलाब के पौधों को बचाना कैसे है। दोस्तों, अगर आपके एरिया में तापमान 30-32 डिग्री पार कर चुका है और गर्म हवाएं चलने लगी है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने गुलाब के पौधों को धूप से जरूर बचाएं। यानी कि अगर आपका गुलाब का पौधा टेरेस पर है तो उसे वहां से शिफ्ट करके ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह 2-3 घंटे की धूप लगती हो। अगर आपको गुलाब के पौधे को शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है तो उसके ऊपर ग्रीन नेट जरूर लगा लें। और इस वक्त आपको अपने गुलाब के पौधों पर पानी नियमित रूप से देना है, यानी कि पानी बहुत ही संभल कर देना होगा, ना तो इस पर पानी ज्यादा डालें और ना ही इसकी मिट्टी सूखने दें। मिट्टी का मॉइस्चर मेंटेन रखें ताकि पौधे की जड़ें सूख ना जाए। एक बार आपके पौधे की मिट्टी सूख गई तो पौधा मुरझाने से नहीं बचा पाएंगे। वहीं अगर आपने लगातार पानी दिया और लगातार पौधे की मिट्टी गीली रही तो जड़ें सड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इससे भी आपका गुलाब का पौधा मुरझा सकता है। क्योंकि इस सीजन में गुलाब के पौधों की जड़ों का विकास रुक जाता है और गुलाब के पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करता रहे, कलियां बनाता रहे और फूल भी खिलता रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा आगे सब कुछ बताता चलूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस वक्त आपको अपने गुलाब के पौधों पर कौन सी गलती नहीं करनी है। पहली गलती जो इस वक्त आपको अपने गुलाब के पौधों पर नहीं करनी है वो है 10-15 दिन वाला फार्मूला आपको नहीं अपनाना होगा। 10-15 दिन मतलब 10 दिन में ये खाद डालना, 15 दिन में वो डालना, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसा कि मैंने कहा कि इस सीजन में गुलाब के पौधों की जड़ों का विकास रुक जाता है, तो जड़ों का विकास रुकने की कंडीशन में इस फर्टिलाइजर को उस फर्टिलाइजर को डाल के आप अपने पौधों को सिर्फ खराब करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर हैं जिसे महीना या 1.5 महीने में सिर्फ एक बार आपको डालना है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि और कौन कौन सी गलतियां इस वक्त आपको अपने गुलाब के पौधों पर नहीं करनी है। दूसरी गलती, इस वक्त आपको अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है। गुड़ाई आपको उस कंडीशन में करनी है अगर आपके पौधे की मिट्टी हार्ड हो गई है, पूरी तरह से ऊपरी लेयर सख्त हो गई है, तो हल्की हल्की गुड़ाई कर सकते हैं, वरना आप गुड़ाई ना करें। अगर आपके पौधे की मिट्टी में खरपतवार उग गया है तो भी आपको मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है, बल्कि उसे हाथ से ही बाहर निकाल लें। अब बात करते हैं तीसरी गलती की जिसे आपको नहीं करना है। तीसरी गलती ये है कि आपको इस वक्त गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। लेकिन हाँ, जो फूल खिलकर सूख रहा हो तो हल्की हल्की 1-2 पत्ते नीचे से उसकी टिप को रेगुलर काटते रहे, ये पूरे साल आप कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग आप अक्टूबर में या फरवरी में करेंगे तो पौधा आपका कभी खराब नहीं होगा। देखिए होता क्या है, सुबह आपने अपने पौधों को पानी दिया,
और 4-5 घंटे के बाद तेज धूप होने की वजह से आपके पौधे की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है और दोपहर होते होते धीरे धीरे आपका पौधा मुरझाने लगता है। तो आप घबराए नहीं, इससे भी बचने का बहुत अच्छा और सस्ता उपाय है मेरे पास। आपके पौधों से गिरा हुआ पत्ता और फूल की पंखुड़ियां इसे इकट्ठा करके सूखा कर रख ले। ये देखिए, इस तरह से मैंने अपने पौधों से गिरा हुआ पत्ता और फूल की पंखुड़ियों को सुखा के इकट्ठा करके रख लिया है और इसी का आप अपने पौधे की मिट्टी के ऊपर इस तरह से मल्चिंग कर दे। ये बहुत अच्छा और सस्ता उपाय है मल्चिंग का। इस तरह से करने के बाद आपके पौधे की मिट्टी नहीं सूखेगी, लेकिन ध्यान रहे पत्तों को अच्छी तरह से सुखा के ही इस पर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा सूखे हुए प्याज के छिलकों का भी आप मल्चिंग के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। ये पौधे की मिट्टी को तो सूखने से बचाएगा ही, साथ ही साथ पौधों को न्यूट्रिएंट्स भी देता रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस वक्त आपको अपने गुलाब के पौधों पर कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है और कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं बता दूं, इस समय आपको अपने गुलाब के पौधों पर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। इस वक्त आपको अपने गुलाब के पौधों पर सिर्फ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। अगर 10 से 12 इंच का पॉट है तो 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप सभी गुलाब के पौधों पर डाल दें। लेकिन ध्यान रहे, इस वक्त अपने पौधों पर बिना गुड़ाई किए ही इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद 1 से 1.5 महीने के अंतराल में अपने गुलाब के पौधों पर और कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। आप ये ध्यान में रखें, जब भी आप इस काम को करें तो सुबह या शाम को ही करें, दोपहर के वक्त इस काम को बिल्कुल भी ना करें, वरना आपका पौधा खराब हो सकता है। चलिए, वर्मी कंपोस्ट हमने डाल दिया। अब वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद हमेशा की तरह इसके ऊपर पानी डाल देना है। अगर इस वक्त आप अपने पौधों पर पानी नहीं डालेंगे तो इसके ऊपर जो वर्मी कंपोस्ट हमने डाला वो सूख जाएगा और पौधों को भी इसका फायदा नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, अब आखिर में एक बहुत अहम और जरूरी टिप्स आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिसे आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो टिप्स क्या है, चलिए मैं समझाता हूं। ये देखिए, इस तरह से पत्तों को खा लेना या कलियों को इस तरह से सुराख कर लेना, ये एक इंसेक्ट का अटैक है। तो इससे बचने के लिए आप हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हफ्ते में एक बार करते रहेंगे तो इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। जितने पौधे हैं सभी पौधों पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दे, ताकि एक पौधे से दूसरे पौधों पर इसका अटैक ना हो। लेकिन ध्यान रहे, स्प्रे का काम भी आप सुबह या शाम को ही करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।